हेलो दोस्तों, मेरा नाम शिवांशी और आप देख रहे हैं ऑटो पार्ट्स इन्फो। तो आज हम जा रहे हैं सेलेरियो गाड़ी में टाइम की सेटिंग देखने कि आखिर सेलेरियो गाड़ी में टाइम सेट कैसे करते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। तो अभी टाइम हो रहा है 4:34 और गाड़ी में देखते हैं क्या टाइम हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 16:33 सो रहा है टाइम, जो कि 24 आवर वाला सोसाइटी में सो हो रहा है। तो अगर टाइम इसका सही ना हो तो उस कंडीशन में आपको टाइम सेट करने के लिए क्या करना होगा, जैसे कि वैगनार में था वैसे ही है। इसमें एक सिंगल नोब दिया गया है, इस नोब को आपको प्रेस करना है। वो भी आपको कहाँ पे लाके प्रेस करना है, जब आपकी रेंज में हो या फिर ओडोमीटर रीडिंग में हो। तो मैं ओडोमीटर रीडिंग में आ जा रहा हूँ, ओडोमीटर रीडिंग में आ गए हैं और इसे हम प्रेस करके रखते हैं इस बटन को। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, हमारा एक मेन्यू खुल गया है जहाँ पर 12H और 24H लिखा हुआ है। इसी को एक बार प्रेस करेंगे तो डोर आएगा, उसके बाद लाइट आएगी, उसके बाद सिक्योरिटी है, फ्यूल है और क्लॉक है। तो क्लॉक की सेटिंग में इंटर करने के लिए क्या करना है, इसी को प्रेस करके हमें थोड़ी देर के लिए रखना है, लॉन्ग प्रेस लगभग 3 से 4 सेकंड के लिए। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं टाइम चेंज करने के लिए क्या करना है, इसी को प्रेस करना है। जैसे कि मान लीजिए कुछ भी टाइम रहा हो, अगर मुझे सेलेक्ट करना है 4:35 सेट करना है, तो कैसे करेंगे, हमें जो कि 24 वाला है तो इसे हमें 16 में लाना पड़ेगा पहले। तो इसे हम 16 में कर देते हैं, सोलह में आ गया है। इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है नोब को और देखेंगे ये 34 वाला ब्लिंक होने लगा। जब 34 वाला ब्लिंक होने लगा है तो फिर अब हम क्या करना है, फिर इसी को ही प्रेस करना था, लेकिन कुछ समय के लिए रहता है। तो इसे पहले हम 24 को हम कर देते हैं, 12 कर देते हैं, 12 में आ गया है। इसी को प्रेस करके थोड़ी देर के लिए रखना है लॉन्ग प्रेस। तो आप देख सकते हैं ये सक्सेसफुल हो गया, तो 12 घंटे वाला टाइम आएगा इसमें। अब हम आते हैं क्लॉक सेटिंग में, इसी को प्रेस करके फ्यूल के बाद है क्लॉक, इसे पे फिर थोड़ी देर के प्रेस करके रखेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं 4:04 ब्लिंक हो रहा है, 34 में अभी ब्लिंक नहीं हो रहा, जैसे 34 में ब्लिंक होगा फिर उसके बाद हम एक बार प्रेस कर देंगे, उसके बाद छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पे देखेंगे वो ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा, क्लॉक सेट हो गई है। अब क्या करना है, इसे हमें बैक करने के लिए एंड में आना है और इसे थोड़ी देर के लिए लॉन्ग प्रेस करके रखना है। और हमारा देख सकते हैं 4:35 हो गया, जो कि पहले आ रहा था 16:33 सो रहा था। तो इस तरह हम टाइम सेट कर सकते हैं 12 आवर या फिर 24 आवर के फॉर्मेट में। तो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, न्यू सेलेरियो 2021 वाली मॉडल से थी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑटो पार्ट्स इन्फो।